अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम लिंग्विस्टिक का जो टॉपिक है, शॉर्ट सा टॉपिक है, इसको पढ़ने जा रहे हैं। काजेज़ ऑफ लिंग्विस्टिक चेंज, के लैंग्वेज चेंज जो है वो किन वजूहात की बिना पर होती है। सबसे पहले हमारे पास कम्प्लेक्सिटी टूवर्ड सिंप्लिसिटी, यानी हम कम्प्लेक्स चीज़ों को सिंप्लिसिटी की तरफ लेके जाते हैं, इसलिए लिंग्विस्टिक को चेंज करना पड़ता है। सेकेंड है जी फ्राम लेंथ टूवर्ड्स प्रिसीजन, ठीक है, यानी लेंथ से हम प्रिसीजन की तरफ, दुरुस्ती की तरफ जाते हैं। नंबर थ्री है जी डिफ़िकल्टी टूवर्ड्स ईज़। नंबर फोर पे है डिसऑर्डर टूवर्ड्स ऑर्डर, यानी कुछ लिंग्विस्टिक इश्यूज होते हैं डिसऑर्डर में, तो हम उनको ऑर्डर की तरफ लेके जाते हैं। नंबर फिफ्थ है नीड फॉर यूनिफॉर्मिटी, डाइवर्सिटी, न्यू एक्सप्रेशंस, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, डिवेलपमेंट, न्यू वर्ड्स, कॉन्सेप्ट्स एंड प्लेसेस, इन वजूहात की बिना पर भी हम लैंग्वेज में चेंज लाते हैं। नंबर सिक्स पे है जी फॉर लिंग्विस्टिक सोशल कल्चरल साइकोलॉजिकल हिस्ट्रिकल ज्योग्राफिकल चेंज, ये चेंजेस भी इसमें आते हैं। सेवन और लास्ट वन है जी डिज़ायर फॉर नोवल्टी, यानी उसमें नई चीज़, जिद्दत, इनोवेशंस हम लेके आते हैं, ठीक है, नई चीज़ लेके आते हैं, लिंग्विस्टिक को चेंज करना पड़ता है। तो ये वजूहात हैं, काजेज़ हैं लिंग्विस्टिक चेंज की। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गए होंगे इंशाल्लाह।